नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। मऊ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 136 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बोले, पहले चेहरा देखकर दी जाती थी योजनाएं, एक परिवार वसूली करता था। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा खत, कहा गौशाला में चारा पानी न मिलने के चलते हो रही गौवंश की मौत, शव को तस्वीर देखकर मन विचलित। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, दहाई अंकों में आई बीजेपी की सीटें तो छोड़ दूंगा ट्विटर। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने का लिया फैसला। ओली कैबिनेट की सिफारिश को लेकर पहुंचे थे राष्ट्रपति के पास, संसद भंग करने की कही बात। किसानों के समर्थन में उतरे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली जंतर मंतर या रामलीला मैदान में आंदोलन करने का किया ऐलान। टैटू के जरिए देखिए किसान आंदोलन के रंग, पंजाब से आए क्रेजी टैटू क्लब के टैटू आर्टिस्ट आंदोलन में शामिल, किसानों को फ्री में बनाकर देंगे टैटू। तमिलनाडु में 2021 विधानसभा चुनाव की तैयारी, मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत, चावल लेने वालों को 2500 रुपए नगद देगी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नरमी के बीच चाचा शिवपाल यादव ने दिखाए तेवर, कहा झुककर नहीं करेंगे गठबंधन, जरूरत पड़ी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने जारी किया नया फरमान, विधायकों और एमएलसी को हर महीने पार्टी फंड में देने होंगे 10,000, कई विधायकों और एमएलसी ने जमा कराई रकम। अफगानिस्तान के काबुल में बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, आंतरिक मामलों के मंत्री मसूद अंदराबी ने धमाके की पुष्टि। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में विजय माल्या के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट पहुंचे भारतीय बैंक, भगोड़े शराब व्यवसायी विजय माल्या के खिलाफ लंदन के हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। नए साल का काउंटडाउन शुरू होते ही दिल्ली में सक्रिय हुए ड्रग्स तस्कर, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ा 10.5 किलोग्राम एटाफाइमाइन। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को लेकर सक्रिय हुई सरकार, अगले 6 महीने तक अनिवार्य किया मास्क, रात में कर्फ्यू या लॉकडाउन के पक्ष में नहीं सरकार। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट, इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान। मणिपुर ड्रग्स केस मामले में आया नया मोड़, कोर्ट ने जांच पर असंतोष जताया तो एएसपी वृंदा ने लौटाई मुख्यमंत्री पदक, अधिकारी ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लिखा पत्र। कोरोना महामारी में स्मार्टफोन ने बनाई बढ़त, भारत में सितंबर अक्टूबर में खरीदे गए 4 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन, लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम गैजेट की भी बिक्री में हुआ भारी इजाफा। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। पाकिस्तान में पायलट फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाकर उड़ा रहे हवाई जहाज, जान हथेली में लेकर हवाई सफर कर रहे पाकिस्तानी नागरिक, रद्द हुए 50 पायलटों के फर्जी लाइसेंस। दिल्ली के पीरागढ़ी में फर्जी कॉल सेंटर पर दिल्ली पुलिस का छापा, अवैध कॉल सेंटर से 42 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कन्नौज में सामने आया लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला, शादी की फोटो एफबी पर पोस्ट की तो खुली दूल्हे की पोल, धर्म छिपाकर लिए थे युवती के साथ 7 फेरे। बिहार के बेतिया में सामने आया हैरान करने वाला मामला, शादी के महज 7 दिन बाद ही विवाहिता ने पति की गला रेत कर की हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। बीजेपी सांसद सौमित खान की पत्नी सुजाता मंडल ने थामा टीएमसी का दामन, बीजेपी पर लगाए अवसरवादियों और दागियों को जगह देने का आरोप। एमएसके प्रसाद बोले, नवंबर 6 पर बैटिंग करे राहुल, कोहली की जगह उतरे ये बल्लेबाज। महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत की मौत के मामले में फरार चल रहे महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल के खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी, अब देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे पूर्व एसपी मणिलाल। राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम डायल 112 पर दी गई धमकी, आरोपी की लोकेशन दिल्ली में मिली। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।